हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डिंपल, आपकी अपनी क्रिएटिव नेल आर्टिस्ट। हम लोग बारिश के टाइम पे मुंबई टू लोनावाला एक शॉर्ट ट्रिप करके आए थे। तो उस ट्रिप का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, तो टनल देखते ही थोड़ा अच्छा लगने लगता था कि थोड़ी देर के लिए तो बारिश से बच गए। टनल से बाहर निकलते ही फिर से बारिश। मुंबई से लोनावाला तक बहुत सारे टोल नाके मिलेंगे। ये खालापुर टोल नाका है, यहाँ पे हमने 76 रुपीज़ वन वे टोल भरा। खोपोली में एचपी केयर सेंटर के यहाँ, मतलब अपने पेट्रोल पंप के बगल में आपको फूड कोर्ट मिलेगा। तो ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में यही एक अच्छा जगह है जहाँ पे आप खा सकते हो, और वॉशरूम भी है, बहुत क्लीन एंड नीट है। यहाँ पे हमने छोले पूरी, पाव भाजी और डोसास मंगवाए थे। तो उसमें से एक था सादा डोसा, बहुत ही बड़ा बड़ा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट आई थिंक 4 फीट था, जो कि मेरे मदर इन लॉ ने ऐसे रफली उसको हाथ से मेजर किया था। उनको लगा 4 फीट है उसका, लिटरली उतना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपने बचपन के यादें ताज़ा करने वाले चॉकलेट्स, और ये मैजिक पॉप शायद आपने भी खाया रहेगा, मुंह में डालते ही ऐसा चटपटे फटने लगता है, मज़ा आता है खाने में ये सब। ये देखो कितने क्यूट मार्शमेलोज हैं। फाइनली लोनावाला पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे हम लोग मगनलाल चिक्की खरीदना चाहते थे, यही यहाँ का स्पेशल स्पेशलिटी है। आप सबको पता है लोनावाला चिक्की कितना स्पेशल है, बट यहाँ पे आके ना हमने देखा कि इतने सारे मगनलाल चिक्की शॉप्स है ना, मतलब बाजू बाजू में शॉप्स है, थोड़ा डिस्टेंस भी नहीं है, इतने सारे मगनलाल शॉप्स। तो हमें थोड़ा डाउट हुआ कि ये ओरिजिनल है फेक है पता नहीं, तो लोकल से थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं उसके बाद खरीदते हैं। फाइनली लंबे जर्नी के बाद हम लोग होटल पहुंच गए। हम लोगों ने ऑर्किड होटल में रूम बुक की थी, तो देखते हैं अभी रूम कैसा है, आपको मैं दिखाने वाली हूँ। लॉबी अच्छा लग रहा है, ये देखो अपना रूम है ये। रूम तो मुझे थोड़ा छोटा लगा, चालू होने से पहले ही ख़त्म हो रहा है, बट ठीक है, एक दो दिन के लिए आके रुक के जाने के लिए ठीक ही है। जब हम लोग यूरोप गए थे तभी हमने ऐसे छोटे छोटे रूम्स देखे थे। बस इतना ही हो गया, अपना रूम ख़त्म। शाम को स्नैक्स खाया था, पर अभी काफ़ी लेट हो चुकी है तो थोड़ी भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा टहल के आते हैं, साथ साथ में थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मावल मराठा करके एक ढाबा दिखा, वहाँ पे औरतें बाहर बैठ के रोटियाँ सेक रही थी। ठंडी में ऐसे गरम रोटियां सेकना देखना अलग ही मजा है ना, और यहाँ पे एम्बियंस भी काफी अच्छा है। बहुत ज्यादा भूख तो थी नहीं, बट थोड़ा कुछ चाहिए था, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत अपना वो भाकरी और एक कोई ग्रेवी मंगा लेते करके। तो हमें नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों हैं, तो हमने मंगाई एक चिकन की हंडी और सेव टमाटर।
और जो क्वांटिटी आया था चिकन का पूछो मत, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली ढाबा है तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है, बट ये बोन वाला चिकन है, बोनलेस नहीं है। अभी खाना खा के और कुछ तो करना नहीं है, होटल में जाके सोना है। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।